पंचायत चुनावों के ऐलान होते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। वहीं अपने अपने दावेदारी करने वाले अब नेताओं को मिल रहे हैं। यमुनानगर में भी कई ग्रामीण इलाके से आई महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इन चुनावों को लेकर मिली हैं और उन्होंने अपने इलाके से चुनाव लड़ने वालों के बारे में चर्चा की। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से तैयारियां हैं और पहले से हमने समितियां गठित कर दी और हमने ग्राम लेवल पे पंचायत लेवल पे उन्हें समितियां गठित कर दी और भारतीय जनता पार्टी पूरा इसमें हिस्सेदारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। वो बात दूसरी है कि हम चुनाव चिन्ह पे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वैसे हर मेंबर पंचायत के चुनाव से लेके और जिला परिषद के चुनाव तक हम सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे। तो सर देखिए, बात जो भी काम सरकार ने किए उन कामों की जानकारी लेके और जो भी विकास के काम गांव में हुए या पूरे प्रदेश में हुए इलाके में हुए उन सब की जानकारी लेके और बीजेपी के पक्ष का माहौल है। अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को बड़ा सिग्नल लोगों ने दिया था और हमें पूरा यकीन है कि इस चुनाव में भी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और जो की वोटर हैं या अन्य सभी लोग हैं उन सबके साथ तालमेल में है, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं और हम सभी चुनाव लड़ेंगे। सर क्या देखिए, इसके अब तो काफ़ी कारण हैं क्योंकि दूसरी पार्टियां भी चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ती। वैसे में हालांकि हमारा 50-50% मत था, कुछ हमारे कार्यकर्ता थे जो सिंबल पे चाह रहे थे, कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो सिंबल पे नहीं चाह रहे थे। बाद में सारा उस पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया सिंबल का चुनाव नहीं। सर जो आपका सहयोगी दल है JJP, उसके साथ सर मिलके चुनाव लड़े जाएंगे या अलग अलग चुनाव लड़े?